गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी क्लास सेवन का चैप्टर फर्स्ट है पूर्णांक 1.1 खत्म हो चुकी है। 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है ना, पहले और दूसरा क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के तीन उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 है थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो सबसे पहले हम ए टीम के अंक निकालते हैं ना, ए टीम के अंक, तो देखते हैं -40 प्लस 10 प्लस 0 कितना आएगा। -40 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 30 आ जाएगा, ठीक है। अब बी टीम के अंक, बी टीम के अंक, बी टीम के अंक कितने हैं? 10 प्लस 0 माइनस 40, इनका कितना आएगा? वही -40 में से 10 माइनस करेंगे तो इनका भी -30 ही आएगा, ठीक है ना। देखो इनको क्या कह रहा है कि ए के अंक कितने हैं? ए के अंक कितने आए? -30 आए टीम के अंक, है ना। कुल अंक कितना है इसके? -30। और बी टीम के अंक कितने आए? भी इसके भी -30 आए। तो क्या कह रहा है कि वो द्वारा अंक दे दो, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम यहां पर? दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है। दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। फिर क्या कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो हमने इसको ऐसे जोड़ा तो भी हमारा यही आंसर आया, इसको हमने ऐसे जोड़ा तो भी हमारा यही आंसर आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम? हां, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा और ऐसे जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ए टीम के अंक आए -30, बी टीम के अंक आए -30, दोनों के अंक बराबर आए और पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इसके ये दोनों आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो ये कितना है? -5। ये कितना है? -8, ठीक है। और यहां पर भी कितना है? -8। तो देखो यहां -5 प्लस -8 बराबर -8, यहां क्या आएगा? फिर अभी -5 आएगा, यहां क्या आएगा? -5 आ जाएगा, ठीक है। -53 में हम क्या जोड़ेंगे? यही आए 0। क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे तो -53 ही आएगा, ठीक है। 17 में हम क्या जोड़ेंगे? 0 आ जाए, -17 कितना जोड़ेंगे? -17 जब 0 आएगा ना। अब देखो ये 13, ये -12 प्लस, यहां देखो यहां -12 -7 13, यहां क्या क्या नहीं है? 13 भी है यहां पे, -12 भी है, क्या नहीं है? -7 नहीं है, तो -7 आ जाएगा। यहां पर देखो -4, ये 15 3, तो यहां पर क्या नहीं है? -4 भी है, 15 भी है, तो क्या नहीं है? -3 नहीं है, ठीक है, हो गया।